तो दोस्तों, अगर आप जो है एक नया फिटनेस बैंड लेने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप जो है अपनी फिटनेस को ट्रैक करना चाहते हो बहुत ही अच्छे तरीके से, तो गाइस जो है आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक ऐसा स्मार्ट फिटनेस बैंड जो आपके लगभग सारी जरूरतों को पूरा कर देगा। तो चलिए दोस्तों, आइए बढ़ते इस वीडियो के अंदर में। मेरे साथ अब एंड तक बने रहेगा क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है श्याम, आप देख रहे हो टेक टेक्निकल, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यहां पर है मेरे हाथ में ये नया जो है मी स्मार्ट बैंड 4। बेसिकली ये जो है थर्ड जनरेशन से, यानी फोर्थ जनरेशन का है, यानी कि मी स्मार्ट बैंड 4 है ये। और जो है आज हम इस वीडियो के अंदर हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, आज इसी का जो है हम रिव्यू देने वाले हैं। कि वैसे तो ये बैंड काफी टाइम पहले आ चुका है, जहां तक मुझे उम्मीद है लगभग साल भर हो गया है इसको मे बी। लेकिन यहाँ पर दोस्तों काफी लोगों के सवाल आ रहे थे, काफी लोगों के मेरे को क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई एक 2000 रुपये के अंदर में कोई अच्छा सा फिटनेस बैंड हमें सजेस्ट करो, कि किस तरह का हमें फिटनेस बैंड लेना चाहिए, कौन सा कंपनी का फिटनेस बैंड हमें अच्छा मिल सकता है प्राइस के अंदर में। क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे ब्रांड मिल जाते हैं जो कि आपको फिटनेस बैंड या फिर फिटनेस वॉचेस, जो कि स्मार्ट वॉचेस होते हैं, स्मार्ट बैंड होते हैं, अवेलेबल तो करवाते हैं लेकिन काफ़ी महंगी प्राइस पर मिलते हैं। तब ऐसे में जो है सवाल आता है कि भाई आखिर कम प्राइस में अच्छे परफॉर्मेंस या फिर कम प्राइस में ज़्यादा ज़्यादा फीचर कैसे मिले। तो यहाँ पर जवाब है ये नया मी स्मार्ट बैंड 4। इसके अंदर मैं आपको मोटा मोटा अगर बताऊँ दोस्तों, तो इसके अंदर आपको जो है कलर एमोलेड टच स्क्रीन मिलती है, आपको काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, आपकी हेल्थ की जो ट्रैकिंग होती है वो मिल जाती है, आपको 24/7 की जो है यहाँ पर स्लीप और हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी जो है इस मी स्मार्ट बैंड 4 के अंदर मिल जाती है। चलो दोस्तों, जल्दी जल्दी हम जो है इसकी जो है यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि आखिर क्या क्या जो है हमें इस बॉक्स के अंदर में देखने के लिए मिलता है। तो शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, आ गया है हमारा मी स्मार्ट बैंड 4। तो गाइस, ये बैंड की जो मैं इसमें रिव्यू देने वाला हूँ, बेसिकली तो कोई ऐसा पेड रिव्यू नहीं है ये, बट पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगा, काफ़ी बढ़िया बैंड लगा मुझे इस प्राइस पॉइंट के अंदर में। तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग जो है एक बैंड, फिटनेस बैंड खरीदने के बारे में सोच रहे होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना भाई इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए कि आखिर कौन सा बेस्ट बैंड रहेगा अंडर 2000 रुपीज़ में। तो गाइज़, ये मैं आपके लिए आज लेकर के आ गया हूँ और आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग वगैरह दिखाऊंगा, कंटेंट दिखाऊंगा कैसा है, और इसके फीचर्स के बारे में मैं बताने वाला हूं। और जो है मैं आपको एक रिव्यू दूंगा आफ्टर 7 डेज़ के बाद में, कि आखिर भाई 7 दिन के बाद में कैसा जो है ये काम करता है। सभी चीज़ें आज मैं आप कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में। तो चलिए दोस्तों, इसको यहाँ पर हम ओपन करना शुरू करते हैं। देख लीजिए, सबसे पहले तो बॉक्स के कंटेंट मैं दिखा देता हूँ। मैंने इसको ऑलरेडी ऑनलाइन मंगाया है, फ्लिपकार्ट से मंगाया है। तो देख लीजिए आप, यहाँ पर मी स्मार्ट बैंड 4 लिखा हुआ है, एमोलेड कलर टच स्क्रीन है इसके, यहाँ पर हार्ट रेट मॉनिटर है, वाटर प्रूफ अप टू 50 मीटर, यानी कि 50 मीटर तक ये जो है सेफ़ है, म्यूजिक कंट्रोल इसके अंदर मिल जाता है। यहाँ पर ओवरऑल काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर दिखाई गई हैं, ये देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर में। और जो इसकी MRP है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2500 रुपये यहाँ पर इसकी MRP दिखाई गई है। वैसे तो ये मेरे को 2000 रुपये का मिला। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मंथ ईयर मैन्युफैक्चर ईयर, यहाँ पर सभी चीज़ें दिखाई गई है। तो जल्दी से यहाँ पर हम इसको जो है बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओपन हो जाता है एंड आप देख पा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये कंटेंट है, और यहाँ से इसको ऐसे स्लाइड करके आप निकाल सकते हो। तो निकालने के बाद कुछ इस तरीके का एक कंटेंट मिलता है, और यहाँ पर ये इसका बॉक्स, इसको मैं ऐसे रख देते हैं साइड में। एंड अब जो यहाँ पर हम देखते हैं कि आखिर इसमें और क्या क्या चीज़ है, तो यहाँ पर इसको हम सबसे पहले साइड में निकाल देते हैं। तो ये तो हमारा बैंड हो गया, तो इसको तो हम जो है फिलहाल अभी साइड में रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर में और क्या चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली शायद इसके अंदर में यहाँ पर हमें एक, हाँ इसके अंदर में एक हमें चार्जिंग डॉक मिल जाता है इसका, जो भी इससे मतलब चार्ज होगा, इसको साइड से करके निकाल देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये इसका चार्जिंग डॉक है, तो यहाँ पर इसमें लग करके चार्ज होगा। मैनुअल गाइड वगैरह जो कि इनको कोई नहीं पढ़ता है, सब बिल्कुल ऐसी कैसी वेस्ट रखी रहती है। तो यहाँ हम आ जाते हैं अपने बैंड की तरफ में, देख लीजिए कुछ ऐसा दिखता है ये बैंड, और इसको मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ बाहर।
एंड दिखाता हूँ मैं उसका का आपका फर्स्ट लुक कुछ इस तरीके का देखने के लिए मिलता है ब्रांड ये, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो अगर बात करूं मैं इस मी स्मार्ट बैंड की, तो बेसिकली जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है ब्राइट डिस्प्ले के साथ आता है। यहाँ पर सबसे पहले जो है इसकी डिस्प्ले के बारे में बात कर लेता हूँ। तो अगर मैं डिस्प्ले की यहाँ पर बात करूँ दोस्तों, तो डिस्प्ले वाकई में काफ़ी ज़्यादा हमें इसके अंदर ब्राइट दी जाती है। मतलब कि आप जो है इसकी डिस्प्ले को जो है अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर सकते हैं, जो इसकी लाइटिंग होती है, जो भी ब्राइटनेस वगैरह होती है, वो उसको आप अपने हिसाब से यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ साथ यहाँ पर अगर मैं बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ दोस्तों, की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी जो इस बैंड के अंदर में हमें मिलती है, प्राइस के हिसाब से बिल्ड क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा मैं कहूँगा कि काबिल तारीफ ही, देख लीजिए बिल्कुल। अगर आप इसको कैसे भी थोड़ा मोटा, मतलब बैंड जो रिस्ट बैंड है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल के रबर के साथ आता है। एंड ओवरऑल डिस्प्ले और जो कि पीछे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हार्ट रेट सेंसर है, तो काफ़ी हद तक जो यहाँ पर इन्होंने बढ़िया क्वालिटी दी है। और इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कम है इसका, लगभग 2000 रुपये के अंदर मिल जाता है। मेरे को ये सेल पर मिला था तो मैंने थोड़ा सस्ता इसको परचेज़ कर लिया था, लगभग मेरे को 1700-1600 रुपये करीब में ही पड़ा, तो थोड़ा सस्ता मेरे को पड़ गया था। लेकिन अभी जो है थोड़ा सा शायद 2000 रुपये तक का, मे बी 2000 रुपये तक का आपको इजीली मिल जाएगा ऑनलाइन। अगर आप इस बैंड को जो है ऑफलाइन परचेज़ करते हो तो शायद हो सकता है कि आपको 1600-1200 रुपये फालतू देने पड़ जाएँ। यहाँ अगर मैं इस बैंड की तो फीचर्स की बात करूँ दोस्तों, फीचर्स में जो इसमें काफ़ी सारे हमें फीचर्स मिल जाते हैं। शुरुआत में यहाँ पर आपको देख सकते हैं स्टेटस, ये आपके जो स्टेटस है वो शो कर देता है कि आपके जो बैंड में मतलब आपने अब तक कितने स्टेप्स चले हैं, कितनी जो है आपने कैलोरी बर्न की है, वो सभी चीज़ें जो यहाँ पर ये दिखा देता है। आइडल अलर्ट्स है, साथ साथ यहाँ पर आपको हार्ट रेट का जो है एक मिल जाता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देखिए ये हार्ट रेट मॉनिटरिंग यहाँ पर शुरू कर देता है। अगर आप इसको अपने रिस्ट पर पहनते हैं तो इसकी जो हार्ट रेट की एक्यूरेसी है मैं कहूँगा कि लगभग काफ़ी हद तक बिल्कुल करेक्ट होती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पर आपको वर्कआउट के हिसाब से मिल जाते हैं कि आपको वर्कआउट के जो मोड्स हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको कितने सारे वर्कआउट के वहाँ पर मोड्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वर्कआउट के मोड भी इसके अंदर देखने मिल जाते हैं। यहाँ पर मुझे इन्होंने एक जो है यहाँ पर एक नया फीचर ऐड किया जो कि है पूल स्विमिंग का। जी हाँ दोस्तों, ये आपकी जो स्विमिंग है उसको भी ट्रैक कर लेता है बहुत ही आसानी से। अगर आप पूल में जो है स्विमिंग कर रहे हो तो अब इसको हाथ में ऐसे पहनिए और जो है फिर आप जो है जब जैसे स्ट्रोक लोगे इस तरह से तो ये इसको ट्रैक करेगा। यहाँ पर अगर मैं और इसके नए फीचर्स की बात करूँ तो दोस्तों, इसके अंदर में आपको जो है काफ़ी सारे कस्टमाइज फेस मिल जाते हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से जो है इसमें फेस को भी चेंज कर सकते हैं। जब आप जैसे मोर में जाते हो एंड यहाँ पर आप जब जाते हो थोड़ा सा नीचे, और जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पर ये बैंड डिस्प्ले के नाम से आया, इस पर टैप करते हो तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वॉचेस के जो फेस है वो देखने के लिए मिल जाते हैं, एंड आप अपने हिसाब से जो है इनको सिंक कर सकते हो। साथ में साथ जो आपको यहाँ पर मी फिट जो ऐप दिया जाता है उसके थ्रू भी जो है आप इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। इस बैंड में मुझे सबसे अच्छी बात इसकी जो मी फिट ऐप है वो लगी, और जो है आपको उस मी फिट ऐप के थ्रू जो है अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर आपको जो है फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन भी दिया जाता है, यहाँ पर फाइंड बैंड का भी ऑप्शन दिया जाता है कि आप एक वाइब्रेटर के थ्रू इसके अंदर वाइब्रेट होता है ये, तो ये काफ़ी ज़्यादा आसानी से मतलब आप इसको ढूंढ सकते हो। साथ ही साथ जो है इसमें जो है आपको आपके जो व्हाट्सएप नोटिफिकेशन है या फिर और भी कई तरह के जो नोटिफिकेशन है वो आसानी से आप अपने इस बैंड के थ्रू पा सकते हो, यानी कि अगर कोई कॉल आ रहा है आपका मोबाइल जेब में रखा है तो आपको पता चल जाता है कि आपके रिस्ट में क्या किसका कॉल आ रहा है, तो यहाँ पर नोटिफिकेशन मामले में भी आपको काफ़ी सारे जो है यहाँ पर ये बैंड अच्छी खासी फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है। तो भाई नो डाउट मैं अगर बोलूँ कि प्राइस के हिसाब से जो ये बैंड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको जो है इम्प्रूवमेंट देता है, काफ़ी अच्छी जो है आपको यहाँ पर फैसिलिटी मिल जाती है। फीचर्स भी इसमें काफ़ी सारे दिए गए हैं, तो फीचर्स में नो डाउट इसके अंदर कुछ भी ऐसी बात है तो भाई मेरे हिसाब से तो ठीक है। बैटरी बैकअप की अगर हम बात करूँ दोस्तों, अप टू 20 डेज का बैटरी बैकअप जो है ये आपको दे देगा। यहाँ पर जो है आप इसमें एक चीज़ और कर सकते हो दोस्तों, कि आप जो है 24/7 जो है स्लीप मॉनिटरिंग और हार्ट रेट मॉनिटरिंग को भी ट्रैक कर सकते हो, यानी कि ये 24/7 आपकी आपको बिना बताइए आपकी जो हार्ट रेट है उसको स्कैन करता रहेगा, ना आपकी जो स्लीप है उसको भी जो है ये ट्रैक करता रहेगा कि आखिर आप एक रात में कितना सोते हो, कितना मतलब बजे उठते हो, आपकी नींद कितनी, मतलब कैसे मैं बोलूँ तो आपकी स्लीप को पूरी तरह से ट्रैक करता है। तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा सही बैंड है आप लोगों के लिए। चलिए भैया अब आते हैं यहाँ पर कंक्लूजन पर, आखिर क्या ये आपको लेना चाहिए। बेसिकली ये वीडियो मैं इसीलिए लाया हूँ कि ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं क्लियर हो जाए,
इसके अंदर आपको लगभग वो हर फीचर्स मिल जाएंगे जो आप एक स्मार्ट वॉच या फिर स्मार्ट बैंड के अंदर में चाहते हो। तो मैं ये कहूँगा कि 2000 रुपये के अंदर में आपको इससे अच्छा बैंड तो शायद कहीं ना मिले, बट और इससे अच्छा अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, बट मेरे हिसाब से तो एक आइडल बैंड के रूप में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मी बैंड 4 प्राइस के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा है, एंड फीचर्स के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। तो नो डाउट ये एक वर्थ इट परचेज होगा। सो बस गाइज, आज की वीडियो में मिलना रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो हमारा आज का ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा, आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा हमारे इस मी स्मार्ट बैंड का रिव्यू। गाइज, अगर आप इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं, लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं अनबॉक्सिंग से रिलेटेड या फिर टेक से रिलेटेड, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एंड जो है आप लोग मुझे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। सो दोस्तों, तब तक के लिए मैं मिलता हूँ वीडियो के साथ में, देखते रहे द टेक टेक्निकल। We'll be right back.